हेलो जी, कुकिंग एंड मेहंदी डिजाइन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गाजर को काट लिया है। गाजर को मैं इस पानी में डाल दूँगी। और इन्हें ढककर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। सब्जी के लिए मैं पेस्ट बनाऊंगी। 2 हरी मिर्च ली है मैंने, लहसुन, 1 टमाटर, आधा प्याज, हरा धनिया, आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, और 2 चम्मच लाल मिर्च। थोड़ा सा जीरा लूँगी, आधी चम्मच जीरा लिया है मैंने, और काला नमक। इसका पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट बना लिया है। गाजर को 10 मिनट हो गए हैं और गाजर पक गई है। अभी इसे मैं एक प्लेट में निकालूंगी। सारी गाजर मैंने निकाल ली है प्लेट में। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डालूंगी। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिया है। अब इसमें तेल डालूंगी। तेल गरम हो गया है, अब इसमें जीरा डालूंगी। और आधा प्याज डाला है मैंने इसमें। प्याज को थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे डाल देंगे। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। अब मसाले को पकाऊंगी। करीब 2 मिनट हुए हैं, मसाला पक गया है। अब मैं इसमें गाजर डालूंगी। गाजर को मिक्स करने के बाद मैं मटर डालूंगी। दो मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।